बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेहरू रिपोर्ट 1928, क्लास मैट्रिक और सेकंड ईयर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये सवाल आता है। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों ने एक कमीशन तश्कील दी जिसमें 7 मेंबर्स थे और सर साइमन की सरबराही में 1927 में कुछ दस्तूरी इस्तलाहात, आइन बनाना, कवानीन, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, उसकी सिफारिशात मुरतब की, लेकिन उसमें एक भी हिंदुस्तानी शामिल नहीं था। इसलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने साइमन कमीशन का बायकॉट किया। इस पर वजीर हिंद लॉर्ड बिरकिन हेड, उसने कहा कि अगर आप खुद दस्तूर बनाना चाहते हैं बनाकर पेश करें। इस पर जितनी भी ऑल पार्टीज थी उन्होंने 1928 में मुत्तफिका आयन तैयार करने की सोची, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे वो मोतीलाल नेहरू चेयरमैनशिप, और जो सेक्रेटरी थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10 मेंबर थे इसमें, और इसमें जो रिपोर्ट तैयार की उसमें अक्सरियत जो है वो मुसलमानों के खिलाफ थी। अब उसमें मेन पॉइंट कौन कौन से थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे? नंबर 1, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। नेहरू ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें ये बात की थी कि कोई भी जो है इलेक्शन वो अलग नहीं होंगे, जैसे इलेक्शन शुरू से ही चले आ रहे हैं ऐसे ही इलेक्शन होंगे, मखलूत नहीं होंगे, यानी कि मखलूत ही होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, जैसे मिक्सिंग चले आ रहे थे। और नंबर 2, इसने ये बात की थी डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा हिंदुस्तान को और इसमें कामिल आज़ादी नहीं होगी, मुकम्मल आज़ादी नहीं होगी। और एक और बात जो इसमें की गई थी कि सिंध को जो है इस सूरत में बम्बई से अलग किया जाएगा कि सिंध जो है वो अपने खर्चात खुद बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएं, और हिंदी जुबान को सरकारी जुबान करार दिया जाएगा। यानी कुछ बातें थी जिसमें मुसलमानों की खिलाफत सारी थी। और इसमें जो ये बात की गई कि 1/3 सीट्स फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असम्बली, सेंट्रल असम्बली में जो है 1/3 सीट नहीं होंगी, हाँ 1/4 कर सकते हैं लेकिन 1/3 ना हो। इसके बाद नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल, पंजाब और बंगाल में वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है और उसमें कोई भी जो है उनके लिए कोई भी नशिस्त जो है मुख्तस ना की जाए, ये बात भी की गई। और सुबह सरहद और बलूचिस्तान की जो इस्तलाहात के बारे में उन्होंने उसको भी जो है मुस्तरद कर दी। ये सब की सब जो है पॉइंट्स मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे। इसलिए कायदे आज़म ने जब कलकत्ता में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई 22 दिसंबर, उसमें कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की तरफ से ये पेशकश की कि इसमें कुछ तरमीम की जाए। एक तो इसमें ये है जो मरकजी असम्बली है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है वो कम से कम 1/3 से कम ना हो। पंजाब और बंगाल की जो असम्बली है उसमें मुसलमानों को आबादी के तनासब से नुमाइंदगी दी जाए, और सिंध को बम्बई से अलग किया जाए लेकिन इसमें कोई शर्त ना लगाई जाए, और सुबह सरहद और बलूचिस्तान के लिए बगैर किसी ताखीर के इस्तलाहात जो है वो नाफिज की जाए। ये कुछ बातें थी जो
उन्होंने मुस्तरद कर दी। उस पर कायद आजम जो है ये रिमार्क दिए, इट इज पार्टिंग ऑफ द वे, कि रास्ते जो है जुदा हो रहे हैं। इसमें कायद आजम को जो है बहुत अफसोस भी हुआ। ही प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स एज अ मुस्लिम लीडर, और उस पर जो है 1929 में उन्होंने मुसलमानों के लिए 14 पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट किए, पेश किए। उम्मीद करते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ही की जाती है कि वक्तन जो है उर्दू, इस्लामियात और PhD की वीडियो अपलोड करते रहें ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चैनल जो है अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए ताकि वक्तन जो है वो वीडियो जो अपलोड होती हैं आप तक पहुँच सकें। आगे शेयर भी कीजिए, लाइक आदमी क्या करें, और इसके अलावा दूसरों को भी जो है शेयर करें। कमेंट्स करने हो तो अच्छे कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़। वमा अलैना इल्ला अल बलाग अल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा।